पीड़ित था उसी पार्टी से। वहीं आज़िम भाई का एक बयान आया जिसमें उन्होंने ये कहा, बयान को ये कहा कि आप MIM को वोट ना दें बल्कि BJP को दे दें। उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी, उन्होंने कहा MIM को वोट देना यानी कि अपने वोट को ख़राब करना। देखिए, जब मेरी टिकट कटी थी तब से लेके अब तक मैं और मेरे सहयोगी वक्ता हैं बाबर भाई, ये कहते चले आए हैं कि BSP के ये टिकट लेकर आए तो उसमें यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान विधायक द्वारा मैनेज किया गया पूरा। कल उनके जुमा पर वो बात पूरी क्लियर दैनिक जनता के बीच में क्लियर तरीके से आ चुकी है। जनता में उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हम BJP के द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि उन्होंने खुले मंच से ये घोषणा की है कि पंडित को हरा दो लेकिन BJP को वोट दे दो। तो अब वो अपनी सफाई में ये कह रहे हैं कि वो मेरी डबिंग कर दी, ये कर दी, वो कर दी। तो मैं तो स्पष्टता ये चाहूँगा, मैं तो लॉ का वकालत करने वाला व्यक्ति हूँ, फॉरेंसिक लैब में भेज दीजिए, पता चल जाएगा कि ऑडियो किसकी है, वीडियो किसकी है। क्योंकि उनके जो उन्होंने दोबारा डबिंग करके खुद अपने स्पष्टीकरण के लिए वीडियो वायरल की है, उसमें उनके लफ्ज अलग इठे, मतलब यानी लफ्ज अलग बोल रहे हैं और उनके जो माउथ है वो अलग चल रहा है। तो डबिंग तो उनने करके जनता को गुमराह करने के लिए वो डाला है। उन्होंने जो पहले कहा है वक्तव्य कि पतंग को हरा दो चाहे धूल को जिता दो, वो सत्य और सही है। क्योंकि डबिंग, आप भी जानते हो मीडिया बंधु, की डबिंग उस चीज की हो सकती है जिसमें गुंजाइश हो, जब जनता उसे समर्थन कर रही है उनका साथ और जनता बोल रही है, जनता ने जो अपनी आवाज दी है उनकी आवाज के साथ, वो उसमें डबिंग नहीं हो सकती। क्योंकि डबिंग एक दो व्यक्ति के वॉइस की हो सकती है, सारे लोगों की नहीं हो सकती। ये मेरा अपना मानना है। कर्नाटक का आपके भी सामने वीडियो तमाम चली होगी, एक बच्ची थी जो कॉलेज में आकर जा रही थी, उस टाइम पर कुछ लड़के थे जिन्होंने गमछा डाले हुए थे भाजपा वाले, तो उन्होंने साफ तरीके से जो लड़की को घेरा, उसके बाद जो बयानबाजी आई, अखिलेश यादव उस पर बयान नहीं देते। हालांकि मैं आपसे भी राय लेना चाहता हूँ, ये राष्ट्रीय लेवल का मामला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेवल का मामला है, लेकिन फिर भी मैं आपसे इस पर बयान देता हूँ, क्या लगता है ये अखिलेश जी कैसी राजनीति कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, अखिलेश जी बड़े लीडर हैं, अच्छी बात है, वो धरातल पे कुछ कहते हैं और उनके मन में कुछ है, इसलिए उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया। मुस्लिम समाज के वोट को तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनके जब हक अधिकार की बात आती है तो मौन हो जाते हैं, ये उनकी मानसिकता है। दूसरी बात ये आती है, जो बेटी हमारी, जो बहन है, वो निकल के जा रही है, ये भगवादारी लोगों ने जिस तरीके से उनके साथ बदतमीजी की, तो उस बेटी ने बस अल्लाह को ही पुकारा और अल्लाह अकबर करते हुए वो अपने लक्ष्य को करती हुई उन जालिमों के बीच से निकलती हुई सीधी चली गई। तो अल्लाह अकबर पर हमको भरोसा है पूरा, भगवान पर अपने पर भरोसा है, उस बेटी की लाज बचाई। ये दरिंदे हैं, ये गलत लोग हैं, मैं नहीं कहता, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता, लेकिन गलत लोग हर धर्म में होते हैं, गलत तरीके का काम। सवाल है, आखिरी सवाल है, डॉक्टर साहब, जब आपने पंचायत डाली थी, आपका टिकट काटा गया था, उसके बाद आप उदास हुए और आपके समाज पूरा एकत्रित हुआ, एक पंचायत लगी जहां पर आपको आपके लिए समर्थन भी दिया गया, उसके बाद क्या ऐसा नहीं लगता है कि जब आप पार्टी के दल से चुनाव टिकट लाएं उसके बाद कुछ हल्का सा नज़र नहीं आ रहा, समाज नज़र नहीं आ रहा? मेरा कहने का मतलब है, जब आपका टिकट काट दिया गया, आपका समाज एकत्रित हुआ, एक पंचायत हुई, वहाँ पर आप उदास सिंह चेहरा था, उसको देखते हुए लोगों ने आपका सहयोग करा, खास तौर से जो समाज, राठौर समाज है, उसने आपको पूरा समर्थन दिया था, आज वो समाज नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? लोगों की चिंतित है कि MIM से आप टिकट आएँ, राठौर समाज कहीं ना कहीं बटेगा। देखिए, ऐसा है कि लोगों की मानसिकता है राजनीतिक तौर पर निकल कर सामने आती है, और जब आप कारवां की तरफ बढ़ते हैं तो निरी बाधाएं आती हैं, हम उन बाधाओं में नहीं उलझना। रही बात ये कि मैं चुनाव अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे समाज के लोगों ने कहा है, और मेरे समाज के लोगों ने ये भी कहा है कि गोल्डी हमारा जो बच्चा है, जो राठौर समाज का बेटा है, अगर वो ये कहेगा कि मस्जिद में जाकर हमको वोट डालना है तो वो मस्जिद में भी वोट डालेंगे, क्योंकि उन्हें किसी जाति धर्म या उससे कोई द्वेष भावना नहीं है। क्योंकि जितने भी हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, जितने भी मेरे समाज के लोग हैं, उनमें और मुस्लिम समाजों में वो भाईचारा है सदियों से, कि मेरे को तो नहीं लगता किसी तरह का कोई उसके अंदर कटने की या कोई ऐसी स्थिति है। हाँ,
जो विपक्षी लोग हैं इस बात को अफवाह जरूर दे रहे हैं, क्योंकि उन पर मुझ पर कोई कटाक्ष नहीं निकल रहा, मुझ में वो कोई कमी नहीं निकाल पा रहे, मेरे समाज में कोई कमी नहीं निकाल पा रहे, तो वो तरह तरह की इस तरह की अफवाहें उड़ाएंगे। हिंदू समाज में कहेंगे कि मुस्लिम और वोट नहीं मिल रहा आपको, और मुस्लिम समाज में कहेंगे कि तुमको हिंदू वोट नहीं मिल रहा। तो ये तो उनका प्रोपेगंडा है, वो इस तरीके से गुमराह करेंगे, लेकिन मेरा समाज गुमराह होने की स्थिति में नहीं है। मैंने कल शाम को फिर एक मीटिंग की थी रसूलपुर में, जिसमें अपार जन समूह है, मतलब उसको आपने सोशल मीडिया के तहत भी देखा था। तो मेरा समाज तो जो 70 साल की आज़ादी में नहीं जागा, वो इस बार जागा है, और एक एक मत पतंग के चुनाव निशान पर देगा, वो आपको 20 तारीख को पता चल जाएगा। अच्छा, हाँ, बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे आप इस बार? हम तो छक्के में छक्का मारेंगे। और एक एक